सॉल्व करेंगे। ये जो आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यहाँ पे 20 नंबर दिया हुआ है, 1/sec θ -tan θ -1/cos θ। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ही ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट साइड था 1/sec θ -tan θ और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो यहाँ आपको एक थोड़ा सा इतना तो अब आइडिया हो ही गया होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि ये है sec θ -tan θ और ये है मेरे पास 1। तो या तो हम इसे रैशनलाइज कर सकते हैं या हम 1 को चेंज कर सकते हैं क्योंकि इन तीनों में फॉर्मूला होता है। कोई बच्चा बताएगा sec θ tan θ 1 में क्या फॉर्मूला है? +tan²θ = sec²θ। यस, वेरी गुड। तो इसलिए 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे? 1 sec²θ - tan²θ। यस, तो 1 को हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो रैशनलाइज भी कर सकते थे, मतलब sec θ + tan θ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते, लेकिन मैं फिलहाल ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये हमने कर लिया और -1/cos को हमने sec θ ले लिया। अब मुझे बताएगा कोई बच्चा sec²θ -tan²θ के 2 फैक्टर्स हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? यस सर। हां भाई, a+b a-b सर। अब इतना आइडिया तो बेटे हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे लेके चलना है। जैसे ही आप चलने लगोगे तो आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया वैसे, कर इतना समझ में आ गया था। तो ये sec θ - tan θ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या है रेस्ट? sec θ + tan θ - sec θ। तो एक तो चीज ये है बेटे कि आप इस sec θ से sec θ कैंसिल कर सकते हैं। प्लीज ध्यान से देख लीजिए आप सब बच्चे, तो आपके पास सिर्फ आ जाएगा tan θ। ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम चाहें तो हम अपनी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर सकते हैं सेम इसी तरीके से। जरा कोई शॉर्ट में मुझे बताएगा 1/cos क्या हो जाएगा? sec θ। हाँ बेटे, सब बच्चे जरा ध्यान से देखो, शॉर्ट में 1/cos हो जाएगा sec θ। माइनस है बेटे। कोई मुझे बताएगा मैं यहाँ पे 1 को क्या चेंज करूंगा? sec²θ - tan²θ - tan²θ। उसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, a+b a-b। तो नीचे क्या है? नीचे हमारे पास है a+b। तो a+b से a+b कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग से सोचते रहिए। तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? वो तो ठीक है लेकिन मार्क तो पढ़ते हैं। हमारे पास sec θ - tan θ। यस, हमारे पास बचेगा sec θ - tan θ। बाहर है ब्रैकेट में बेटे माइनस, ठीक है। तो माइनस से आपका ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या sec θ से sec θ कैंसिल हो जाएगा? हाँ भाई बेटे, हमारे पास क्या है sec θ -sec θ और tan θ हो जाएगा प्लस का। तो sec से sec कैंसिल, तो राइट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या बचा? tan θ। और लेफ्ट साइड में क्या आया था हमारा? tan θ। एक तरीका तो ये है कि जब आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ ना हो तो सीधा सा दोनों साइड को सॉल्व कर दो। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे ये आपको मिलता जाएगा रास्ता। दूसरा तरीका ये कि नहीं भाई, हम कैंसिल नहीं कर रहे बिकॉज मुझे 3 टर्म्स ही चाहिए। ये मेरे पास आ गया बेटे, दोबारा से देखो, इससे और आइडिया मिलता है कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारे पास है sec θ + tan θ - sec θ। सब बच्चे ध्यान से। और मेरा जो राइट हैंड साइड है बेटे वो है 1/cos θ - 1/sec θ + tan θ। तो मुझे शुरू में 1/cos चाहिए। शुरू में क्या चाहिए? 1/cos। तो अगर मैं इस sec को कैंसिल ना करूं और मैं 1/cos कर दूं तो मेरा एक पार्ट आ गया, ठीक है। ये पास आ गया।
और ये जो मेरे पास tan थीटा माइनस sec थीटा था, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। बेटा जी ध्यान से देख लीजिएगा इस चीज को, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास इनसाइड रह जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, और अपॉन में मेरे पास आप चाहो तो लिखना चाहो वन। ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सब बच्चे बताओ। यस सर। अब मैं नीचे वाले वन को क्या चेंज कर दूं? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। बस अब आप समझ गए इसका मतलब, आंसर आ गया आपका। हमारे पास बेटे ये आ गया sec थीटा माइनस tan थीटा, आपने वन को लिख दिया sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कितने फैक्टर होंगे? दो। दो दो होंगे, एक होगा sec थीटा प्लस tan थीटा और एक होगा sec थीटा माइनस tan थीटा। कैंसिल आउट हो जाएगा sec थीटा। यस वेरी गुड, माइनस वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली आंसर क्या होगा? 1 बाय cos थीटा माइनस 1 बाय sec थीटा प्लस tan थीटा। यस सर। तो इट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोनों साइड सिंपलीफाई करते हैं, एक साइड से स्टार्ट करते हैं, दूसरी साइड पे चलते हैं, तो जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है जी।